मुंबई में शनिवार यानी 20 अप्रैल को दादा साहेब फाल्के एक्सलेंस अवार्ड 2019 समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कई कलाकारों ने शिरकत की। धड़क के लिए जानवी कपूर को बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा गया। ईशान खट्टर को भी दादा साहेब फाल्के एक्सलेंस अवार्ड 2019 से नवाजा गया। इस दौरान ईशान और जानवी कपूर बेहद उत्साहित नजर आए। काजोल, अदिति राव हैदरी, प्रनूतन बहल जैसे कलाकारों ने भी इवेंट में पहुंचकर चार चांद लगा दिया। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान इस मौके पर जानवी कपूर ने ही खींचा। जानवी कपूर पिंक कलर की साड़ी में नजर आई। इस ट्रेडिशनल आउटफिट में उनको देखकर आपको श्रीदेवी की याद आ जाएगी। जानवी कपूर अपने डेब्यू से पहले ही लगातार सुर्खियों में रही हैं और श्रीदेवी के निधन के बाद उन्होंने जिस तरह से खुद को संभाला और अब जिस तरह से अपने करियर को आगे बढ़ा रही हैं, वो काबिले तारीफ है। आपको बता दें कि अवार्ड शो का आयोजन दादा साहब फाल्के के 150वें बर्थ एनिवर्सरी पर किया गया था। वीडियो डेस्क, amarujala.com।